खाना खाएगा क्या? अरे बबुआ भूख लग रहा है क्या बबुआ? ओ बबुआ इधर आओ बबुआ, मेरा एक बेटा है एक बेटी है। बेंगलोर टू गोवा, गोवा टू बेंगलोर, गोवा टू बेंगलोर। भाई ट्रिप कैसा रहा? रशियन ढूंढ रहा था, रशियन ढूंढ रहा था, नहीं मिला। रशियन मिला लेकिन लड़का मिला, लड़का मिला। कौन बनेगा करोड़पति में भी आया था। अमिताभ जी ने ऐसा पूछा था, इंडिया में ऐसा कौन सा स्टेशन है जिसका नीचे से पानी बहता है, तो वो जगह यही था। आप लोग ने पुराना व्लॉग में देखा होगा, वो था एल्टो 800। वो कार बेच के ये नया कार लिया गया है। ये रास्ता देखिए, रास्ता रास्ता, इसी रास्ते की वजह से मुझे बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। पांच मिनट पहले उठा था, अभी मैं पेरेंट्स को पिकअप करने आया हूँ स्टेशन से। बहुत जोरों का नींद लग रहा है भाई अभी, क्योंकि मैं सोया था 5 बजे का और अभी बज रहे 6:30। तो सिर्फ 1.5 घंटा ही सोया मैं, अभी जाके और 1 घंटा सोऊंगा फिर उसके बाद उठ जाऊंगा। एंड दिखाते हैं आप लोगों को, मम्मी पापा आ रहे हैं एंड और भी कोई लोग होंगे शायद। दिस इज कॉल्ड द न्यू बोंगाईगांव स्टेशन। इस स्टेशन का क्वेश्चन एक बार कौन बनेगा करोड़पति में भी आया था, और वो क्वेश्चन किस तरह था मैं आपको बताता हूँ। अमिताभ जी ने ऐसा पूछा था कि इंडिया में ऐसा कौन सा स्टेशन है जिसका नीचे से पानी बहता है, तो वो जगह यही था न्यू बोंगाईगांव स्टेशन, रेलवे स्टेशन। मम्मी इधर 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 इधर। A few moments later. Hello जी, so welcome back to another new video. कि आप लोग ने देख लिया होगा सुबह को मैं गया था अपने पेरेंट्स को पिक करने। आने के बाद मैं सोच रहा था कि थोड़ा नैप लूंगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि मुझे नींद ही नहीं आया उसके बाद। और किया है कि मम्मी आते आते सो गए क्योंकि बहुत थक गई थी भाई। वो लोग ट्रेन में बहुत दिन सफर कर रहे थे तो थक गए, तो आके सीधा सो गए। वो इतना दिनों से मैं खाना बना रहा था, जो कि ब्लॉग में कंटिन्यू नहीं कर रहा था क्योंकि घर का काम भी कर रहा था। तो जो कल वाला ब्लॉग देखा था आपने, वो ये उसका 2 दिन वाला ब्लॉग है, ठीक है, आपसे आएगा कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो एनीवेज आज मेरा आखिरी दिन है खाना बनाने का, तो बाकी मम्मी संभालेंगी कल से। लेकिन उससे पहले मैं बहन को ड्रॉप करने जाऊंगा एक कंप्यूटर सेंटर में जहाँ पे वो कोचिंग लेती है, एंड फिर उसको उधर ड्रॉप करके मुझे वापस लेके भी आना पड़ेगा। तो हाँ, तो थोड़ा वक्त जाया होगा। खाना खाएगा क्या? अरे बबुआ भूख लग रहा है क्या बबुआ? ओ बबुआ इधर आओ बबुआ, मेरा एक बेटा है एक बेटी है। और दोनों ही बेटी है क्या? ना ना, तो एक बेटा था ना पहले, वो एक था ना, तीसरा कहाँ चला गया? तीसरा दिखता नहीं है आजकल। अरे भाई ये लड़का था भाई, मेरे को पता है। कौन बोला? मैं बोला। नहीं नहीं लड़का है, देखो ये मेरे से चिपक रहा है फिलहाल। कुची 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 इना, इसका नाम है इना और उसका आमी मी 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 मी। आजो 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 आजो, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। फिर कैसे अभी? तो और खराब हो गया। हम तो कल बारहवीं देखने वाले थे। हाँ जी, हम लोग कल बारहवीं देखने वाले थे, लेकिन वो आया ही नहीं इधर, क्या करे। मुझे मेरे को देखने का मन नहीं था, तेरे को शौक था देखने को। मैं भैया को पिंक टी शर्ट पहन के लेके जाने वाली थी उधर। ये मुझे नहीं जाना था इसलिए मैं गया नहीं था। नहीं था मेरे को क्यों देखना है? बारबी देखते थे भैया, सब देखते थे भाई, ऐसा कुछ देखता नहीं था मैं, ठीक है। और मेरे को बारबी देखने का कुछ शौक नहीं है। और याद चलो, नहीं क्या? मेरा वो क्लासेस है, अभी सेंटर तक छोड़ के आना है। सेंटर तक छोड़ के आना है तेरे को? नहीं जाना मेरे को। अबे क्या कर लेगा तू? कितना बजे था? 3 बजे। आना जाना काफी कष्ट होता है क्योंकि रास्ता बहुत खराब है भाई, इतना धूले और ऊपर से कार भी धुलने के लिए लेने जाना है, और इतना भीड़ में मेरे को कार लेके जाने का मन भी नहीं है। आता इतना गर्मी भाई, इतना गर्मी, देखो धूप देखो भाई। अभी फायदा नहीं है, अभी बाइक से नहीं जा सकेंगे, कार से जाएंगे। और हाँ, आप लोगों को एक चीज बता दूं, मैं बताना भूल गया था। वैसे आप लोगों ने पुराना व्लॉग में देखा होगा, मेरा दूसरा कार था, मेरा मतलब घर का जो कार था फैमिली कार, दूसरा कार था वो था एल्टो 800। तो नया कार लेने का वक्त हो गया था, इसीलिए वो कार बेच के ये नया कार लिया गया है जो है बोलेरो। तो ये इसका कुछ दिखा नहीं पाया क्योंकि मैं इतना दिन व्लॉग नहीं कर रहा था और मैं यहाँ पे रहता भी नहीं था, तब उधर रहता था। तो हाँ जी, मैं दिखा नहीं पाया इसका क्या बोलेंगे उसको, डिलीवरी, फाइनली डिलीवरी ले ली। मैंने कमेंट में भर देना बोलेरो अंकल। अरे नहीं नहीं, राहुल अंकल ना क्या? या। भगवान का कृपा से मिल गया हम लोग का नया कार, इसको भी कुछ दिन बाद चलाना सिखाऊंगा मैं। या। अब लोग कमेंट कीजिए इसको सिखाना है कि नहीं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर है, कैसा नेक्स्ट ईयर 18 होने वाली है, सिखाना चाहिए कि नहीं कमेंट सेक्शन में बताएगा, ठीक है। अगर कमेंट सेक्शन में ज्यादा दिखते हैं नहीं सिखाना चाहिए तो नहीं सिखाऊंगा भाई, लड़के लोग बैड ड्राइवर होता है। लेकिन मैं तो अभी फिलहाल चलते हैं इसको सेंटर तक ड्रॉप करने, कंप्यूटर सेंटर तक। वहाँ बहुत गर्मी है भाई, आज मैं बाइक से जाने वाला था लेकिन ट्रैफिक सह लूंगा, लेकिन धूप नहीं सह पाऊंगा भाई, सच में बोल रहा हूँ। और ऊपर से ये बोल रही थी जैक फ्रूट खाएगी, नहीं इतना गर्मी में नहीं खाना है भाई। वो जो अंकिल अंकिल वाला वाला होता है ना, चिच्चा वाला, तो वो वाला गाना मैंने सुना था अरुणाचल में जब मैं उस दिन लास्ट गया था, मेरा लास्ट जो वीडियो था। तो एक सर मिले थे रॉ एंटरटेनमेंट विद ईगल ओलेन, तो उन्होंने एक गाना बनाया था स्कॉर्पियो अंकल बोलेरो अंकल, तो वो वाला गाना याद आ रहा है। तो ठीक उसी समय में जब आया तब ये बोलेरो खरीद चुका था। तो हाँ, तो यही था इसका कहानी, और ज्यादा कुछ डिटेल नहीं है इसका, कुछ सीधा प्लान भी नहीं बना, सीधा लेना था ले गया, अचानक से ले लिया। तो वैसे इससे ज्यादा आपको क्या ही बताएं। नहीं देखो, गर्मी गर्मी खूब ज्यादा है भाई, गाड़ी के अंदर रह के पसीना
एसी चलाया भाई फिर भी पसीना है। पैर काटना बंद कीजिए थोड़ा, ऑब्वियसली 100% बंद नहीं कर सकते, लेकिन साथ में हम लोग ये कर सकते हैं कि अगर एक प्लेन काटा तो उसके बदले 10 प्लेन काट दिया जो कि जल्दी से ग्रो होगा, जिसका ऑक्सीजन लेवल और ज्यादा अच्छा है। इतना तो कर सकते हैं आप लोग। अगर मैं भी कहीं पे पैर काटता हूँ तो हाँ जी मैं भी काट दूंगा, तो वैसे बात है आप लोग भी कीजिए ठीक है, गर्मी को सही है थोड़ा और मजा लीजिए। और एक बात है, ये रास्ता देखिए, रास्ता रास्ता इसी रास्ते की वजह से मुझे बाहर निकलने का मन ही नहीं करता, क्योंकि ये मेन रास्ता है, इधर से हाईवे निकलता है और यही रास्ता ऐसा खराब है तो किसको जाने का मन करेगा भाई। इसीलिए बहन को भी मैं कभी कभार ट्यूशन रखने जाता ही नहीं हूँ, इतना बोर लग जाता है। नो आई एम नॉट लेजी बाय द वे। और आप लोग एक चीज कर सकते हैं, आप मुझे चैलेंज भेज सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर मैं पोल रखूंगा कम्युनिटी टैब में, आगे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कैसा टाइप का चैलेंज कर सकते हैं हम लोग बहन और मैं, तो वो चैलेंज हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, जो कर सकेंगे मतलब जो एप्लीकेबल है वो सब वाला टास्क दीजिएगा ठीक है। उसके बाद वो सब कमेंट्स देखने के बाद मैं पोल रखूंगा। देखो इधर देखो, देखो इतना बड़ा है। उस दिन इधर में जेसीबी पलट गया था यार, और वो ये जो डंपर नहीं रहता वो बड़ा वाला ट्रक, वो भी गिर गया था उधर, वो अंडा जैसा पलट के गिर जाएगा भाई। इधर देखिए, इधर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, देखिए बस गर्मी ज्यादा है, बस गर्मी ज्यादा है। ये गर्मी के कारण ही कार लेना वरना, नहीं तो चलाने का मन नहीं था भाई। बोर लगता है ना तो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे काफी मजा आता है, थोड़ा चिल सा वाइब आ जाता है। बस हम नहीं अभी जाते, सभी टाइम पास के लिए, बाकी सब इधर अच्छा होता है, उधर सब सब कुछ एक ही जगह। अगर बोर लग गया तो मूवी देखो, अगर करना है तो शॉपिंग करो, अगर नहीं करना है तो कपड़ा देखना है तो देखते रहो, गेम खेलने है तो आर्केड में जाओ, और हॉरर, और हॉरर का कुछ था मैं घुसा नहीं अभी तक ठीक है। जाने का मन है, जाए क्या उधर, कभी जाएंगे जरूर जाएंगे। लोग चैलेंज भूलिएगा मत, आप लोग चैलेंज के देते जाएंगे। मेरे को रुकने का मन नहीं है, मैं कॉल कर दूंगी, धन्यवाद। आशा करते हैं आप मंगल में होंगे। जी मंगल में होऊंगा। बाय यू गेट आउट यू बाय बाय लेट्स गो। So we have jackfruit here, कटहल, देखो काफी सुंदर लग रहा है। तो ये जितने भी है सब मैंने ही उतारा है पैर से, क्योंकि अगर वो पैर पे रहता है और पक जाता है तो खुद ब खुद नीचे गिरता है, जिससे कि हम लोग खाने को नहीं मिलता और जगह खराब भी हो जाता है, स्मेल आता रहता है। तो इसीलिए दादी ने मुझे बोला कि जाओ बेटा पैर से उतार के लेके आओ, फिलहाल ये कच्चा है ठीक है, फिलहाल ये कच्चा है, पका नहीं है, ये 2-3 दिनों में पक जाएगा, जब पकेगा इसको मस्त से खाएंगे हम लोग, ब्लॉग में भी दिखाऊंगा आप लोगों को। कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। वेदर भी चेंज होने लगा है भाई, ऊपर जल्दी बन जाओ यार प्लीज, वेदर चेंज हो गया सारा। A few inches later. तो भाई आ गया मैं भाई से मिलने, इतना दिनों बाद। गोवा से फ्रॉम गोवा, बेंगलोर टू गोवा भाई। ट्रिप कैसा रहा? ट्रिप बहुत बढ़िया था। राशन ढूंढ रहा था, मिला लेकिन लड़का मिला। तो आप लोग ब्लॉग में देखना, अच्छा लगा लड़का के साथ, थोड़ा रोमिंग किया, एंजॉय किया, मस्त लगा, लेकिन 6000 लिया, इसका प्राइस कुछ ज्यादा है। तो हाँ, इसका अभी ट्रिप के बारे में पूछूंगा मैं, काफी सारे बातें पूछूंगा, थोड़ा इधर टाइम पास कर लेते हैं, अंधेरा भी हो गया, बारिश भी हो रहा है, तो थोड़ा टाइम पास करेंगे, फिर उसके बाद वापस चले जाएंगे घर में, रशिया स्टोरी सुनेंगे, आप लोगों को बाद में बता सकता हूँ, शायद हो सकता है ठीक है। तो अभी हम लोग बातें करते, कुछ देर बाद मिलते। तो बातें करते करते मुझे पता नहीं चला कि कब तक रात हो गया भाई, अभी तो 10 बज गए, तो पता नहीं चला, हम लोग इतना सारे बातें शेयर किए, उसका ट्रिप के बारे में बातें शेयर किए, इतना सारे मतलब बहुत सारा बातें, तो मजा आ गया सुन के। मैं अभी घर पहुंचा हूँ और देखा मम्मी सो गई, क्योंकि काफी थकी हुई थी, पता है कल से बात होगा मम्मी के साथ, मम्मी सो गई, उसको सोने देते हैं, ज्यादा बातें नहीं करते। तो हाँ जी, आई होप आज का वीडियो पसंद आया होगा, सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।